الله، الله،, الله 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آخرت بريمان ये वाजिब है और आखिरत पर ईमान की जब बात आती हो आती है तो बहुत सारी चीजें उससे मुत्ल होती हैं और जो चीजें हम सुन रहे हैं वो क़ियामत की छोटी और बड़ी निशानियां हैं तो हमारी कोशिश ये है कि जितना जल्द हो सके हम छोटी निशानियों को ख़त्म कर लें और बड़ी निशानियां सुने जो सही अहादीतें

उस वक्त तुम्हारा क्या हल होगा जबकि तुम्हें बर्बाद करने के लिए एक दूसरे को आमदा करेंगे तदा तारी को मम्म आलाक सात युसिब नमीन हूँ कहते हैं अबू अब रजियाल्ला ने फरमाया कि नबीसम ने, ने तोबान रजियाल्ला से कहा कि आए तोबान उस वक्त तुम्हारा यानी मुसलमानों का क्या हाल होगा जब काफिर उम्मतें तुम पर इस तरह टूट पड़ेंगी जिस तरह खाने के बर्तन पर टूट पड़ते हैं तो आज दुनिया दुनिया में जो काफिर है, फाचिर है, हैं फाचिर हैं सारे एक हो गए हैं मुसलमानों के खिलाफ दुनिया में कहीं भी हो आ? तो अल्लाह के नबी व फरमाया सहाबी ने फ़रमाया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान है अल्लाह के नबी सल्ह वसलम बे अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह अमिन क़िल्लतिन बिना क्या उस दिन हम तादाद में कम होंगे कि सारे काफिर हमको मारने के लिए टूट पड़ेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला अन तुम योम ई दिन लेकिन उस दिन तुम बहुत ज्यादा होंगे वलाकिन किुली फी कुलूबिकुमुल वहन लेकिन ये होगा कि अल्लाह तुम्हारे दिलों में वहन डाल देंगे तो साहबे कराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहन क्या चीज है वमल वहन या रसूल अल्लाह कौन खुब्बुकम्दुनिया व कराहमकित दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत और जिहाद से नफरत जहाँ गुंजाइश है वहाँ तो इस परिदे पर अमल करना ही होगा तो लोग इस तरह से डरे सहमे होंगे दुनिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेंगे और आखिरत की फिक्र नहीं होगी और जैसे आजकल मुसलमानों का हाल है जगह जगह मुसलमान मारे तोड़े जा रहे हैं उन्हें सताया जा रहा है तो अल्लाह ताला से हमको कमस कम अज कम मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन मुसलमानों की मदद करे जहाँ जहाँ मुसलमान मकूर है, हैं मजबूर हैं बेबस हैं सताए जा रहे हैं काफिरों और दालिमों के शिकंजे में कसे हुए हैं ऐसे मुसलमानों के लिए मुझे और आपको दुआ कर दुआ करते रहना चाहिए इसी तरह क़ियामत की एक और निशानी जो बताई गई है कि दीन अजनबी हो जाएगा क्या मतलब से वो दीन अजनबी हो जाएगा क्या मतलब एक नशानी तो हमने सुना आप मेरे साथ रहें ताकि हम अच्छी तरह बात को समझ सकें एक निशानी हमने सुन ली दूसरे क्यामत की नशानी दीन अजनबी हो जाएगा यानी दीनदार आदमी को लोग अजीब निगाहों से देखेंगे ऐसा लगेगा कि कोई किसी दुनिया से यहां आ गया है आदमी दीनदार कपड़ों में होता है या सही दीन पर अमल करता है तो बिदाती कबूरी क्या कहते हैं अजीब किस्म का आदमी है अजीब किस्म का आदमी है अजीब, अजीब हरकतें करता है अजीब बातें बोलता है हालांकि वही सही दीन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदा बदरीबनऊरीबा कमूब अल्लाह के रसूल फरमाया कि इस्लाम अजनबी हालत में शुरू हुआ था इस्लाम इस्लाम अजनबी हालत में शुरू हुआ था जब इस मक्के में दो चार मुसलमान थे अबूबकर रजी अल्लाह तन और दूसरे आली रजी अल्लामीन खतीजा रजियहा तो लोग अजनबीयत के साथ देखते थे बड़ा अजीब महसूस करते थे एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग मुसलमानों को ऐसे ही देखेंगे आज ऐसे ही देखते हैं खुद दाढ़ी छोड़ते हैं लेकिन मुसलमान की दाढ़ी से इनको क्या है एलर्जी है लेकिन इनकी दाढ़ी बड़ी होती जा रही है हां लेकिन मुसलमान की दाढ़ी से इनको क्या है एलर्जी है बर्दाश्त करने को तैयार नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या फर्क है ये भी तो दाढ़ी है वो भी तो दाढ़ी है लेकिन फर्क है बस इस्लाम का और कुफ्र का तो कहते हैं इबन मसरूद रजियाल्ला की हदीत गुरबा इसमें उन मुसलमानों के लिए खुशखबरी सुनाई गई है अजनबी मुसलमानों के लिए उस वक्त इस्लाम पर जो अमल करेंगे यकीनन वो अजनबीयत का एहसास उनको होगा लोग ताने देंगे अजीब तरह के बातें कहेंगे वो लेकिन वो सही इस्लाम पर चलेंगे और यही उनके लिए आखिरत में कामयाबी का बायस है इसी तरह एक और बात यहां इन्होंने क्यामत की छोटी निशानियों में से एक और चीज का जिक्र किया कि बारिश आसमान से होगी लेकिन पैदावार नहीं होगी बारिश आसमान से होगी तो क्या होना चाहिए ज्यादा पैदावार होना चाहिए आज भी आसमान से कितनी बारिश होती है लेकिन पानी कहां जाता है जमीन में तो नहीं जाता पानी कहां जाता है ड्राइन में चला जाता है या दरिया में चल जाता चला जाता है लेकिन जमीन में नहीं जाता फिर भी जमीन में पानी नहीं है बारिश खूब होती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तقوم الساعه حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الارض ولا تنبت الارض شيئا अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़ियामत क़ायम होने से पहले rooi zameen par aam barish hogi har jagah barish hogi लेकिन जमीन से कुछ उगेगा नहीं जमीन से कुछ उगेगा नहीं बार बार बारिश होने के बाद हालांकि बारिश अल्लाह ताला की रहमत है अल्लाह ताला की रहमत है लेकिन उस बारिश का सही फायदा बंदों को हासिल नहीं होगा हालांकि अल्लाह ताला ने इसीलिए सूरत सलाम के जबानी कहलवाया तुम इसतफार करो अल्लाह तुम्हारे लिए आसमान से बारिश बरसाएगा तुम्हें औलाद देगा किसके बदले में अस्त हम लोग इस्तफार करते हैं इंशाला करना चाहिए अस्त फिर उठते बैठते मैंने बारह आपसे गुजारिश की है आप अपने लिए और मेरे लिए दुआ करें सईदल इस्तफार की किसकी सैदुल इस्तफार हर दाई हर बच्चा इसको याद करना चाहिए सैदुल इस्तफार अल्लाह अंतरबी

मैं कुछ अहम बातें बताकर मेरी कोशिश है कि आज इसको क्या कर लिया जाए ख़त्म कर लिया जाए और बड़ी नशानियाँ हम लोग सुने और फिर इन बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ने की हैं तो एक हदीस वो हमने सुना कि काफिर मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे क़ियामत के करीब क्या होगा तो ये नशानी तो हमको समझ में आती है आज हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं कि काफिरों का रवैया मुसलमानों पर कैसा है यही तोबान रजी अल्लाह तार की हदीत है उसका सबब बताया गया कि तुम्हारे अंदर वहन पैदा हो जाएगा वहन किसे कहते हैं खुब दुनिया व कराहियतुल मौत दुनिया की मोहब्बत और मौत से डर आहिस् डर मौत से बहरहाल मरना तो सारों को है बहुत सारे ऐसे सामने से जनाजा आ जाता है तो इनके हाथ पर ठंडे हो जाते हैं हाँ? कुछ लोग जनादे की नमाज पढ़ाने से डर जाते हैं जनाजा देख के डर जाते हैं क्या हमको मरना नहीं मौत से किसको रुस्तारी है आज वो तो कल हमारी बारी है तो इसीलिए कहा कि बच्चा जब पैदा होता है तो सारे हंसते हैं बच्चा रोते हुए पैदा होता है लेकिन जब तुम मरो तो सारे रो रहे हो और तुम क्या करो हंसते हुए अल्लाह तुम या, या, तो नफ्सलमतम रात मरवियालीफी इबादी बद खुली जन्नति समझ में आया जब बच्चा पैदा होता है तो सारे क्या करते हैं हंसते हैं बच्चा पैदा हुआ लेकिन आने वाला रोते हुए आता है लेकिन जब जा रहा हो तो सारे रोएं। लेकिन ये जाने वाला कैसे जाए हंसता हुआ जाए लेकिन कुछ लोग हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा फमा कुछ लोग दुनिया से जाते हैं तो आसमान और जमीन उन पर नहीं रोते हैं लेकिन कुछ लोग जाते हैं तो आसमान और जमीन भी रोते हैं कि ऐसा आदमी चला गया दुनिया से लेकिन कुछ लोग हैं जो जाते हैं तो कहते हैं कसे कसे कम जहां पाक अरे गया चलो दुनिया पाक होगी क्या गया एक ऐसा आदमी गया जिससे क्या हो गया दुनिया पाक हो गई लेकिन आदमी जब दुनिया से जा रहा हो तो उसे अल्लाह ताला के फरिश्ते कहें क्या ये पाक रूख अल्लाह ताला की खुशनुदी की तरफ निकल अल्लाह ताला की जन्नत की तरफ निकल अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए जन्नत से कफन लाएं, रूद लाए और हर फरिश्ता पूछे कि एक पाक रूह किसकी है सुभान अल्लाह उसकी हम ये कोशिश करें अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक दे एक हदीस हमारे भाई शुयब ने हमेशा याद दिलाया कहा कि क़ियामत से पहले एक ऐसा वक्त आएगा कि हर घर में फितना दाखिल होगा हा? हमने पढ़ा नहीं वो हदीस हर घर में फितना दाखिल होगा यह हदीस हमारे सामने है जिसको बुखारी अहमद और दाऊद ने रिवायत किया है इब्ने माजा ने भी हाकिम में भी ये हदीस है कहते हैं मारिकन रबील मारी कर अत नबी तबूक, बार बार ये हमारे पास आई है कहते हैं कि तबूक का मौका था मैं अल्लाह के वसल्लम स... के पास आया तो अल्लाह के वसल्लम एक खैमे में मौजूद थे अल्लाह के नबीसलम फरमाया तो कि छह बातों तो से तो पहले क़ियामत तो तो नहीं आएगी उनमें से अल्लाह के नबीम फरमाया अरब इल्ला दखलत एक फितना ऐसा आएगा कि अरब का कोई घर उसकी लपेट से महफूज नहीं रहेगा हर घर में यह फितना दाखिल होगा यह फितना दोनों तरीके से हो सकता है एक जिस्मानी फितना भी हो सकता है एक रूहानी फितना भी हो सकता है जिस्मानी के जिस्म में आजमाया जाए कोई बीमारी है कोई चीज रूहानी मानन यानी बदाकीदगी का फितना बुराइयों का फितना कोई भी चीज हो सकती है या ऐसे के गिरानी का फितना कीमतें बढ़ जाएं फहाशी का फितना बेहयाई और नंगेपन का फितना हर घर में दाखिल हो सकता है नंगापन है या सूद है इंटरेस्ट है हर जगह आ सकता है तो इस सिलसिले में बताया गया कि बहरहाल एक आम फितना हम देख रहे हैं आजमाइशों का फितना हर शख्स आजमाइशों में घिरा हुआ है बहुत सारी आजमाइशें हैं यानी गुरबत की आजमाइश है कर्ज की आजमाइश है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कर्ज से पनाह मांगते थे अल्लाहन आउदबी का मिन गति दइनी الرجال अल्लाह के नबी वसल्लम ने दैन दैन किसे बोलते हैं या यूह लदीना इसीलिए बोलता ना मैं अरबी सीखो तदायन तुम बेन एक तो दीन होता है और एक क्या होता है दायन होता है ये दायन कर्ज है अल्लाह के नबी वसल्लम ने कर्ज के फितने से बना मांगा है इसलिए कि कर्ज ऐसी चीज है अल कर् में अल अलमहबा एक दूसरे की मोहब्बत को काट देती है कैंची है बेरा कर्ज का फितना कर्ज लेना देना सही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कर्ज लिया है लेकिन कर्ज लेना है तो देना देना, देना भी है सिर्फ लेना ही नहीं है सुभान अल्लाह तो इसीलिए कहते हैं ये क़ियामत की निशानियों में से कुछ और निशानियां हमारे साथ हैं जिसमें बतलाया गया कि बहुत सारी जंगों की बातें जिक्र की गई और एक बात बताई गई कि दरियाए फुरात से सोने का खजाना नमूदार होगा सोने का पहाड़ किसका पहाड़ सोने का पहाड़ आज इस मुल्क में आज इस मुल्क में जब लॉकडाउन के बाद लोगों की नौकरियां चले गई टीचरों ने खुदकुशियां कर ली कई टीचर्स उन्होंने फांसी लगा दी गुर्बत की वजह से इफलास की वजह से स्कूल बंद हो गए कसाद बाजारी आ गई मार्केट बंद हो गए सही चीज नहीं अल्लाह पर उनको तवक्कुल करना चाहिए था उन्होंने गलती किया अल्लाह ताला मुसलमान तो नहीं होंगे गैर थे तो उनको मालूम नहीं थी ये बात क्या है लेकिन ऐसे जमाने में आज भी आज आज एक भगवान के बारे में मुंह बोला भगवान के बारे में आपने सुना होगा कि कितने करोड़ मिले रफीक भाई 600 करोड़ करोड़ हमारे ही स्टेट का भगवान है जो दोनों भगवान थे मियाँ बीवी दोनों भगवान थे तो कितने 600 करोड़ 6000 हजार करोड़ इतनी दौलत ये सब कौन देते हैं उनके अपने मानने वाले हैं नजराने चढ़ाते हैं तो ये सारी दौलत जमा होती है पूंजी किन के पास ऐसे लोगों के पास जो ताबूत हैं खुद अपने देवता होने का ढोंग रचाते हैं और लोगों को मुरीद बनाते हैं उनसे नजराने वसूल करते हैं लाखों करोड़ों रुपयों का अताशा उनके पास है अब जब हुकूमत हमला करती है या धावा बोलती है तो ये सारी चीजें क्या होती हैं बाहर पड़ती हैं तो मालूम यह होता है लेकिन जैसे इस हदीस में बताया गया अन अबी हरा قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتل الناس عليه فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعل لعلي أكون أنا الذي أنجو الله كرسول رسول صلى الله عليه وسلم نے ارشاد यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के दरिया फुरात से सोने का पहाड़ नमूदार होगा क्या होगा सोने का पहाड़ किससे दरिया से निकलेगा जिस पर लोग जंग करेंगे क्या हासिल करने के लिए सोना हासिल करने के लिए नाइनटी नाइन हर सौ में नव्बद पर नौ मारे जाएंगे सौ में नव्व पर नौ मरे तो कितने बचे एक बचा जबकि हर लड़ने वाला यह सोचकर हिस्सा ले रहा होगा कि शायद वो सौ में एक बज जाने वाला मैं हूं ऐसा सोचकर वो लड़ेगा लेकिन बचेंगे कितना एक ही बचेगा सुबह अल्लाह तो कहते हैं कि ऐसा पैसा है वही न हो नदी पैसा किसको नहीं चाहिए पैसे के लिए सारे लड़ते हैं लेकिन की मोहब्बत है और आखिरत की मोहब्बत है उसकी फिक्र है इसलिए कि आखिरत की जिंदगी अबदी जिंदगी और दुनिया की जिंदगी पैसा ये सारी चीजें खत्म होने वाली चीजें हैं वैरू व अबका आखिरत क्या है बाकी रहने वाली चीज है और दुनिया कुल्लु मन फान सब कुछ क्या होने वाला है खत्म होने वाला वह अब कावजी का और इसी तरह क्यामत की निशानियों में बतलाया गया कि मर्द कम हो जाएंगे औरतें औरते बढ़ जाएंगी औरतों की तादाद ज्यादा होगी العلم ويكثر 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 الجهل الزنا जहलुक वय सरजीना वक्सुरशुरब अल्खमर वक़िलजाल वैक्सर امراه القيم الواحد الله के नबी फरमाते हैं कि قیامت से पहले इल्म उठा लिया जाएगा साहिब علم क्या होंगे बहुत कम मिलेंगे फिर जहालत बढ़ जाएगी जाहिल बढ़ जाएंगे जीनाकारी आम होगी शराब बकसरत पी जाएगी आदमी थोड़े औरतें ज्यादा हो जाएंगी आज यही हाल है कितने लोग जो आते हैं उनको क्या है लड़की है उसके लिए क्या चाहिए रिश्ता चाहिए लड़के बहुत कम हैं, ऐसा भी देखने मिलता है हत्ता के पचास औरतों के लिए एक आदमी ही निगरान होगा कितने पचास आदमियों के लिए एक आदमी ही निगरान होगा ये क्यामत की निशानी है तो ये नशानी निश, जाहिर होने के लिए ऐसा समझा जाएगा कि जंगे ज्यादा होंगी जंगे जब ज्यादा होंगी तो ज्यादा कौन लोग मारे जाते हैं औरत मर्द मर, मारे जाते हैं अभी जहां जहां खून रेजियां हुई चाहे वह इराफ की सरजमीन हो चाहे वह सीरिया की सरजमीन हो चाहे यमन हो जहां अक्सर कौन मरे हैं यहां तक मजबूर हुई औरतें कि वो अपने मतलब भीख मांगने लगी औरतें इसलिए कि घर का जो असल आदमी था वो जंग में मारा गया तो ऐसा हो सकता है ये तो एक कियामत की एक निशानी है ऐसा हो सकता है तो जंगों के नतीजे में ये चीज होगी दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि औरतें ज्यादा पैदा हों और मर्द कम पैदा हों ऐसा भी हो सकता है अल्लाह बेहतर जानता है इसी तरह यामत की छोटी निशानियों में से कुछ और निशानियाँ बताई गई कि मौत की तमन्ना लोग करेंगे अक्सर लोगों को हम सुनने सुनते हुए देखते हैं मौत तो अपने वक्त पर आना है मौत की तमन्ना आदमी नहीं कर सकता मौत की तमन्ना आदमी नहीं कर सकता आदमी अपनी जबान को संभाले अक्सर लोग अपने बच्चों के लिए अपने आप के लिए मौत की बदवा देते हैं मौत की तमन्ना करते हैं अबू अल्लाह तआला ने फरमायामत उस वक्त तक नहीं आएगी या मकाना। एक आदमी कब्र पर से गुजरेगा जाकर कहेगा आकाश ये कब्र में मैं होता तो कितना अच्छा होता क्या वैसी हालत खराब हो जाएगी हाँ, तो आदमी हां कहा कि मौत की तमन्ना नहीं कर सकता लेकिन बाज लोग हैं जैसे उमर एक दफा कहा कि अल्लाह जब मदी मक्के से वापस हो रहे थे मदीने के खुदूद में पहुंचे उमर अल्लाह मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं मेरी सल्तनत वसी हो चुकी है या अल्लाह मुझे तेरे रसूल के शहर में शहादत की मौत दे तो उन्होंने मौत की तमन्ना कब आदमी को जब जाहिर होने लगे आतार नजर आ जाएं, कि अभी चल चलाओ का वक्त है ऐसे वक्त में आदमी कह सकता है तो लेकिन सही बात यह है कि आदमी मौत की तमन्ना नहीं कर सकता जब मौत आनी है उसको आनी है जैसे कहते हैं काला अबूरजी अल्लाह की हदीत है दुनिया खत्म नहीं होगी हत्या यमर रजुल ख़बरी फैतमर्रलई आदमी किसी खबर से गुजरेगा और उस पर लेट कर कहेगा काश मैं इस खबर में होता और उस वक्त दीन आजमाइश का नाम होगा जिंदा आदमी क्या चाहेगा मर जाए वो एक या वो इसकी तमन्ना करेगा तो लोगों का क़ियामतनी मौत की तमन्ना करना क्या है कियामत की निशानी है अल्लाह ताला हर एक को बचाए रखे तो उसकी बहुत सारी हदीसें इन्होंने कही हैं लेकिन आदमी इतनी दुआ कर, दुआ कर सकता है अगर कभी हालात इतने ज्यादा तंग हो जाएं, हालात इतने ये आ जाएं, आदमी अल्लाह ताला से दुआ कर सकता है अल्लानी मा ما كانت तिल हयात لي وتوفني ما كانت नफा ख्यामलिंग या अल्लाह जब तक मेरे लिए जिंदगी बेहतर है जिंदा रख जब मौत बेहतर है तो मुझे क्या कर मौत दे दे तो यह सही है लेकिन यह जो यूरोप ने आज जो निकाला क्या निकाला यूरोप ने मेरसी किलिंग क्या निकाला आप नहीं जानते बहुत सारी बातें ऐसे उन्होंने क्या कहा अगर कोई नहीं जिंदा नहीं रहना चाहता है या ऐसा बीमार है तकलीफ बर्दाश्त नहीं करना चाहता है तो उसके लिए एक अलग कैटेगरी निकाली कि मर्सी के, के हंसते खेलते क्या करो कोई जहर का इंजेक्शन दे दो या नसें काट दो तकलीफ की कि वो पेशेंट क्या हो जाए अपनी मर्जी से मौत को इख्तियार कर ले कहा कि ये इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है जैसे खुदकुशी की गुंजाइश नहीं है खुदकुशी हराम है जैसे अल्लाह ताला ने कहा खुदकुशी बोले तो अपने आप को हैंग कर लेना फांसी दे, दे देना जैसे अल्लाह के नबी नबीसलम के वो सहाबी जिनके लोगों ने जंग में तारीफ की कहा कि माशा शहीद शहीद अल्लाह के नबी नबीसा फरमाया कि नहीं शाम होते होते जख्मी हुए तलवार को जमीन पर खड़ा किया और खुद जाकर तलवार पर क्या हो गए छल के तलवार पर गिर गए वाल सकूँ अल्लाह ने कहा कि नहीं अपने आप को खत्म ना करो तो बहरहाल मैं मैं चाहता हूं कि जब हम दावा करते हैं तो जहां अपनों को हम समझाएं गैरों को भी जब इस्लाम की दावत देते हैं तो हम उनके सामने पेश करें इसलिए कि अब गैरों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं खुदकुशी की फैमिलियों के साथ सारे परिवार के साथ खानदानों के साथ लोग खुदकुशी के दरवाजे पर पहुँच रहे हैं सुसाइड कर रहे हैं तो हम उनको समझाएं कि इस्लाम सुसाइड के बारे में खुदकुशी के बारे में क्या कहता है इस्लाम की सही तस्वीर क्या है उनको हम समझाएं इसी तरह एक और चीज जो यहां बताई गई कि कल के दरस में भी हमने इसको पढ़ा है कि बैतुल्लाह पर एक लश्कर चढ़ाई करेगा बैतुल्लाह पर एक लश्कर चढ़ाई करेगा और फिर वो सारों के सारे जमीन में धसा दिए जाएंगे और फिर अपनी नियतों के मुताबिक अल्लाह तबारक उनको हटाएगा यह जिस कल पढ़े हैं हम और इसी तरह आ, कुछ और चीजें हमारे साथ हैं इसको हम खत्म कर लेते हैं कहा कि क़ियामत की एक निशानी छोटी निशानी ये भी है कि हैवान जमादात इंसान से बातें करेंगे हैवान बोले तो ये हम लोग हैं हम भी हैवान हैं हम लोग क्या हैं? हैंवान नातिक। हम लोग क्या है बोलते हैं जिंदा है ना हम लोग हैवान नातिक हम लोग हैं जो बोलते हैं एक नए एक हैवान है जो बोलता नहीं है वो है वो कहा कि इसी तरह झाड़ पहाड़ ये सब क़्यामत के करीब बोलने लगेंगे बोलने लगेंगे जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीत है और हदीत इमाम अहमद ने इसको रिवायत किया है शेख अलबानी रम्ह ने असिलसलत सहीहा में इसको बयान किया है अबू सईद क़ुदीर तआला तन की हदीत है वो कहते हैं क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी हत्ता युकल, आ, हत्ता युकल हत्या सिब, यहां तक के द, दरिंदे इंसान से बात करेंगे इंसान से बात करेंगे आदमी का कोड़ा उसके जूते का बेल्ट वो भी बोलेगा हा? और फिर बताया कि आदमी की रान यानी उसका जो रान किसे बोलते हैं पैर का उसके अहले खाना की नकलो हरकत से आगाह करेगी घर में क्या होता है क्या बताता या टेक्नोलॉजी उतनी बढ़ जाएगी अभी तो है हमारे हाथ में मोबाइल होता है और हम हमारे घर में क्या क्या चल रहा है हम अपने मोबाइल में देखते हैं हमारे गेट पर कौन आया है हमारे गेट से कौन जा रहा है कहाँ दिख रहा है हमारे मोबाइल में दिख रहा है और यहां से ही हम उसको गेट खोल भी लेते हैं गेट बंद भी लेते हैं किसे मोबाइल से ये देखिए जैसे अबू सईद खुदे रज्लाह की हदीत है कि एक भेड़िए ने भेड़िया किसे बोलते हैं yes. एक भेड़िए ने एक बकरी पर हमला किया और उठाकर चलता बना तो जो चरवाहा था शिपा शिपा वो जो बकरी चलाने वाला वो भेड़िए के पीछे गया ताकुब किया उससे भेड़िए को उसने छुड़ा लिया मतलब भेड़िए का शिकार जो बकरी था इसने उसे छुड़ा लिया अब भेड़िया क्या किया आदमी जैसे बैठता उसे बैठ गया बैठकर वो बोलने लगा तुझे अल्लाह से डर नहीं मेरा रिजक छीन के जा रहा है कौन बोला भेड़िया भेड़िया बोला तो अल्लाह ने इसे मेरे लिए मुकद्दर किया था ये मेरा रिजक था तुम उसे छीन कर जा रहा है चरवाहे ने ताज्जुब से देखा भेड़िया मुझसे इंसानों की तरह बात कर रहा है तो भेड़िए ने कहा क्या मैं तुम्हें भेड़िए खुद बोला क्या मैं तुम्हें इससे अजीब बात की खबर न दूं मोहम्मद अलैहि वसल्लम तो मदीने में लोगों को माजी की बातें बता रहे हैं ये सुनकर फौरन चरवाहा मदीना पहुंचा और नबी अक्रम सल्ला को वाकया सुनाया जो कुछ उसके साथ हुआ था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात सुनकर कहा अल्लाह की कसम खाकर अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा कि क़ियामत के आने से पहले दरिंदे इंसानों से बात करेंगे फिर यह हदीस सुनाई कि उसके घर में जो कुछ होगा क्या बताएगा उसके पाव का जूते का बेल्ट या उसका रान ये सारी चीजें बतलाएंगी इस हदीस की बहुत बड़ी शरह यहाँ की गई है तो आखिर में वो बताते हैं कि ये सारी चीज़ें जब बात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये सारी चीज़ें वजूद में आएंगी, तो आखिर में वो कहते हैं कि मोमिन का हर ख्वाब सच्चा होगा क़्यामत से पहले क्या होगा मोमिन का हर ख्वाब सच्चा होगा عن عن رضي الله الله عنه النبي صلى عليه وسلم اقترب الزمان जाएगा तो मोमिन कोई का कोई ख्वाब झूठा नहीं होगा सबसे सच्चा ख्वाब उसी का होगा जो गुफ्तु में भी सच्चा होगा उसकी गुफ्तगु भी सच्ची होगी और ख्वाब भी सच्चा होगा तो खवाब कितनी तरीके के होते हैं मैंने इससे पहले बताया था शायद शुआब दाई को अच्छा मालूम ख्वाब तीन तरीके के होते हैं हमने कहा नक ख्वाब है अल्लाह ताला की तरफ से बशारत है नक ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से बशारत के तौर पर यह ख्वाब होता है नफसियाती ख्वाब नफसियाती ख्वाब यानी आपको बदहदमी की शिकायत है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप देखते हैं वो सारी चीज़ें क्या होती हैं रिपीट होती हैं जिन में कोई चीज़ देखा है आदमी एक और ख्वाब है जो शैतान की तरफ से होता है शैतान आपको डराना चाहता है आप भाग रहे हैं पीछे से सांप आ रहा है आप बिस्तर पर सोए हुए हैं बाजू बीवी है बच्चे हैं लेकिन आप पसीने में शराबू रहे हैं। ऐसा होता है शैतान की तरफ से होता है बतलाया गया कि आप परेशान होकर उड़ जाए तो रुझू बनाएं और दो रकात नमाज पढ़ें और दावे तरफ आप ये तीन बार ये करें तो इसकी सारी चीजें बतलाई गई तो इसी तरह एक और चीज़ भी बतलाई गई क़ियामत की छोटी निशानी में से ये बात है कि अरब के जो जंगल हैं वो बागात में बदल जाएंगे ऐसा है हाँ ऐसा है नहीं अब आज अगर कोई ताइफ जाता है या दूसरी जगह जाता है तो कह सकता है कि यही वो ताइफ है जहाँ अल्लाह के नबी वसल्लम गए थे नहीं बोता माशाल्लाह हर जगह जंगल हैं फूलों के दरख्त हैं

और इसी तरह कुछ आखिरी दो चीजें हैं हा? हमारे मदीने की बात है जिसके बारे में हदीस में बताया गया कि मदीना वीरान हो जाएगा सही हदीस इस हदीस की सनद हम देख लेते हैं यह हदीस इमाम बुखारी ने रिवायत की है किताब मदीना में सुफ़ियान बिन अबी जुहैर फरमाते हैं सम्य, सम्य, तो रसूल सलूल तुफ्तःम अनुया तीक़ उमन कहते हैं कि यमन फ़तह होगा तो कुछ लोग अपनी सवारीयों को दौड़ दौड़ाते हुए लाएँ लाएँगे और फिर वो उस हदीस के आखिर में वो कहते हैं कि वलमदीन तुम लौख अनुआलम और फिर वल आ, आ के नबी नवीसम की हदीस जिसमें बताया गया कि मदीना उनके लिए हर हाल में बेहतर होगा यानी लोग क्या करेंगे मदीने को छोड़कर इधर उधर चले जाएंगे तो आदमी अपने दूसरे मुल्कों की तरफ चले जाएंगे जैसे इस हदीस में बताया गया तो अल्लाह के रसूल वसलम के पास एक गांव वाले सहाबी आए और इस्लाम पर बैत की फिर दूसरे दिन वो आए तो उनको बुखार था तो जैसे आ, सीरत में बताते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज अल्लाह जब मदीना आए तो उनको भी बुखार आया और फिर बड़ी खिदमत की उम्र मीनी आयशा रजी अल्लाह तह ने और फिर ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद उमिन आयशा रजी अल्लाह तला को बुखार आया और इतना तेज बुखार आया तो कि सर के बाल गिरने लगे किसके उम्र मीन आयशा रजियाल्ला तो बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के बुखार के लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह इसको इधर उधर फेर दे तो कहते हैं कि इनको दूसरे दिन बुखार आया तो ये सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपसे जो बैत की थी वो बैत को आप क्या कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए मैं मदीना छोड़ के क्या करना चाहता हूँ चले जाना चाहता हूं इसलिए कि मुझे बुखार आ गया है बैत को तोड़ दीजिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया वो तीन मरतबा वो साहबी लौट कर आते रहे यही तकादा करते रहे कि मेरी बैत वापस कर दें, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के बगैर वो मदीना छोड़कर निकल गया तो अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया मदीने की मिसाल उस भट्टी की जैसी है जो मैल कुचैल दूर करके खालिश जौहर को निखार देती है भट्टी में क्या होता जलाएंगे तो सोना अलग होता मैल कुचैल अलग होता इसी तरह मदीना भी क्या करता है अच्छे लोगों को रखता है जैसे दज्जाल आएगा दज्जाल आएगा तो दज्जाल मदीने में तो नहीं आएगा अर्जुन मलिक यानी एक तबूक से जरा दूर तबूक रोड पर दूर इलाके में एक मैदान है जहाँ दज्जाल आएगा और दज्जाल क्या करेगा वहां ठहर कर अपने पैर जमीन पर मारेगा जमीन हलेगी दज्जाल की जितने चेले हैं वो सब मदीना छोड़कर क्या करेंगे अपने दज्जाल के पास चले जाएंगे लेकिन दज्जाल अला अनकाबिल मदीना मदीने के चौकियों पर अल्लाह फरिश्तों को रख देगा दज्जाल मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा लेकिन दज्जाल के अपने लोग क्या करेंगे मदीने से खुद से निकल कर क्या करेंगे बाहर आ जाएंगे तो यही कुछ बातें थी जो क़ियामत की छोटी नशानियों में से हैं इशा अल्लाह कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे बड़ी बड़ी नशानियों के बारे में पढ़ेंगे क़ियामत की दस बड़ी नशानियाँ दस बड़ी नशानियाँ उसमें इशा अल्लाह एक एक करके आ, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हादीत में बतलाया है उसमें इमाम मेहदी का गुहूर है इमाम महदी का जहोर है इन शह कल के दरस में हम इसको लेंगे तो जितने लोग हमारे साथ हाज़िर हैं मैं उनसे कहूँगा कि आप हमारे साथ चलते रहें कोई भी काम शुरू करें तो उसे क्या करना पड़ेगा ख़त्म करना पड़ेगा इन न बिलखवातीम बिलखीन कम, कमाल ये नहीं कि काम शुरू हुआ है कमाल ये है कि काम खैर पर ख़त्म हुआ है हाँ अल्लाह ताली मुझे और आपको नेकी की, की तौफीक दे और अल्लाह ताला सबात कदमी आता फरमाए आमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू